नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार कल हुआ, उसके बाद में मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार गिरी और इस नई सरकार का गठन हुआ उस दिन, इस बात को पूरे 40 दिन बीत गए, डेढ़ महीना करीब बीत गया, जिसमें नई सरकार के गठन के बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया था, जिस बात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, कई बातें उठाई जा रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उस मंत्रिमंडल में 18 विधायकों को जगह मिली, जिसमें 9 एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक थे और 9 भाजपा के विधायक हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी भी है होना और एक प्रक्रिया है, वो हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही इस मंत्रिमंडल के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए और सवाल उठाए खुद भाजपा की नेता ने, जो भाजपा खुद इस सरकार में शामिल है और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है, ऐसा कह सकते हैं। उसी भाजपा की चित्राताई वाघ ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने पर भारी आपत्ति जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, और इस पर आपत्ति जताते हुए इसको बेहद दुर्दैवी बताया। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता चरण सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस मंत्री पद की शपथ ग्रहण विधि को, उस पर सवाल उठाते हुए शिवसेना खाते के 9 विधायकों द्वारा बाला साहब ठाकरे को याद नहीं किए जाने को लेकर तंज कसा शिवसेना के नेताओं के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद में विवाद सामने आ चुके हैं और भी कई लोगों ने कुछ अलग अलग इसमें सवाल उठाए हैं। किसी ने यह सवाल उठाया है कि ईडी की कार्यवाही वाले दागी विधायकों को कम से कम मंत्री पद नहीं दिया जाए, तो ऐसे कई सवाल यहाँ उठे। अब देखना यह है कि इस पर सरकार का क्या रुख रहता है और सरकार इसको किस तरह से हैंडल कर पाती है, और जिन लोगों ने सवाल उठाए उनका आगे क्या रुख रहता है, क्या वो इसको आंदोलन का रूप देते हैं, ये देखा जाएगा। देखिए आगे वीडियो में चित्राताई वाघ का वीडियो और चरण सिंह जो कांग्रेस के नेता है उनका वीडियो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आपली भगिनी पूजा चव्हाण हिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारा माजी मंत्री संजय राठोड याचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश हा अत्यंत दुर्दैवी असा आहे। संजय राठोड हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात लढेंगे भी और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार ने जो आज कैबिनेट का गठन हुआ है, शपथ ली है, उस पर एक दृश्य बहुत ही अफसोसजनक था कि शिंदे गुट के जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें से एक भी मंत्री ने आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया। हालांकि एकनाथ शिंदे जी ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब उन्होंने जरूर बाला साहब ठाकरे को स्मरण किया था, लेकिन आज बाकी के मंत्री जो हर रोज हर दिन बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, वो सभी शिंदे गट के मंत्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मरण करना भूल गए। ऐसे मंत्रिमंडल से महाराष्ट्र राज्य क्या अपेक्षा करेगा, ये महाराष्ट्र की जनता ने सोचना चाहिए। इसके अलावा भी संजय राठौड़ जैसे व्यक्ति जिन पर एक महिला ने आरोप लगाए हैं, जिन पर केस चला है, उस व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में ले लिया गया और
टीईटी की जिस पर कली आक्षेप हुआ है, टीईटी परीक्षा का, ऐसे एमएलए अब्दुल सत्तार, उनको भी मंत्रिमंडल में लिया गया है। यानी अब इतना ही बाकी है कि जिनको ईडी के नोटिस गए हैं शिंदे गट के एमएलए को, वो विधायकों को भी आने वाले विस्तार में निश्चित रूप से शायद लिया जाएगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।